जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, चलनी भी चाहिए क्योंकि आपकी भर्ती बहुत जल्द दिसंबर में ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। क्या दिसंबर में ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है? दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि अब सारी भर्तियों का अपडेट, रनिंग अपडेट बहुत जल्द आ ही चुका है। आप क्लास लेते रहिए, ये नहीं है कि बस हमको पेपर क्लियर कर चुके हैं, हो सकता है फाइनल, ऐसा ना हो कि आप फाइनल मेरिट से बाहर आ जाओ, इसलिए आप फिर भी तैयारी करते रहिए क्योंकि अभी आप कंपटीशन में हैं, कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ओरिजिनल क्वेश्चन है, 2000 से लेके अब तक सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसीलिए मैं वन लाइनर लेके आता हूँ। रंजीत सर 9 बजे मैथ 0 से लेके आते हैं, 2 बजे दोपहर में संतोष सर थ्योरी जीके जीएस लेके आते हैं। हम जीके जीएस में हम दोनों, हम और संतोष सर मिलके आपको 25 में से 25, 26, 27 क्वेश्चन आराम से करा सकते हैं, लेकिन 30 नहीं करा सकते। उसमें रीजन है, क्वेश्चन क्या होता है, ये जीके जीके से क्या है, समंदर है, समुंदर है, समुंदर में कोई गहराई नाप नहीं सकता, कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए ये गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैथ और रीजनिंग में मैं पूरी गारंटी लूंगा 20 पे 20 दिलाने के। दोस्त, अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी में जुट जाओ, जब भर्ती आ जाएगी तब तैयारी करोगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है प्यारे दोस्त, आइए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, कौन सा देश है प्यारे दोस्त? आपको कहना कौन सा देश है, ब्रिटेन है। आज आपको हमारी तबीयत भी हल्का फुल्का खराब है, इसलिए मैं एकदम ट्रैक सूट टू पहन के आया हूँ ताकि ठंड ना लगे, थोड़ा बुखार फीवर है। आप भी अपनी सेहत को ख्याल रखना दोस्त, क्योंकि आप सबकी रनिंग भी होगी इसी में। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। क्या होती है, 35 वर्ष होती है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। प्यारे दोस्त, कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपको प्यारे साथियों लगाना है कि कौन सा देश है, चीन है। कौन सा है, चीन है। सबसे पहले छाता निर्माण कहाँ हुआ था, कागज का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, बूढ़ा देश किसे कहा जाता है, ये सब क्या है, चीन को कहा जाता है। क्वेश्चन आते हैं कि आपके सबसे पहले छाता उत्पादन कहाँ हुआ, छाता सबसे पहले कहाँ बना था, आपको लगाना है चीन में बना था। कागज सर्वप्रथम कागज कहाँ उत्पादन हुआ था, तो चीन लगाना है। बूढ़ा देश किसे कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है। हल्दीघाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में, कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त, तमिलनाडु में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको दोस्त लगाना है नील नदी है। कौन सी है, नील नदी है। आइए और भी क्वेश्चन देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये इस चैप्टर का है। बिहार राज्य से अलग अलग कर बनाया गया राज्य कौन सा है, बिहार राज्य से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, तो आपको लगाना है झारखंड बना था। झारखंड ये भी आता है, झारखंड जो राज्य है बिहार से कब अलग हुआ था, तो प्यारे दोस्त कब अलग हुआ था ये ध्यान में रखना, कब अलग हुआ था, 2000 में, कब अलग हुआ था, 2000 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, कौन सा है, इंदिरा गांधी गोल्फ कब किस खेल से संबंधित है,
किस खेल से संबंधित है दोस्त? आपको लगाना है कि हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको लगाना है कि नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो आपको लगाना है हॉकी से है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ध्यान मेजर हो गए। शेख हसीना वाजिद प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? शेख हसीना वाजिद प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? तो आपको लगाना है कि बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके ओरिजिनल क्वेश्चन है। नोट्स बनाते चलो। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको दिक्कत होगी। अगर नोट्स आप बनाए रहोगे तो 10 दिन के 5 दिन के अंदर आप रिविजन कर सकते हो। ठीक दोस्त। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है क्या? होता है आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्त कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है आपकी? कौन सी है? तो आपको लगाना है कि लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग किसकी कमी से होता है दोस्त? आपको लगाना है कि आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है प्यारे दोस्त? आप कह सकते हो कि आयोडीन की कमी से होता है। सीसा का संकेत क्या है? सीसा का संकेत क्या है? पीबी है। क्या है? पीबी है। क्या है? पीबी है। शरीर में लोहे की कमी से होता है? शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है दोस्त? आपको लगाना एनीमिया होता है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी किस तरफ गिरता है? आगे की ओर। आगे की ओर क्या होता है? गिरता है। क्या होता है? आगे की ओर गिरता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो क्या मापने के लिए किया जाता है? आपको लगाना है भूकंप। क्या मापने के लिए? तो आपको लगाना है कि भूकंप। ठीक दोस्त। चाकू से काटने वाली धातु है कौन सी है? सोडियम है। कौन सी है दोस्त? सोडियम है। आप उम्मीद करता हूं आप नोट्स बनाते चलो यार। नोट्स बनाते चलो। सारी क्लास लेते रहो। नोट्स बनाते रहो और सारी भी क्लास लेते रहो। सबसे जहरीली गैस क्या होती है? सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है? क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो दोस्त आप कह सकते हो टंगस्टन का बना होता है। पटाखे में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम। किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? क्लोरीन के गैस को किया जाता है। किससे किया जाता है? क्लोरीन के से किया जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वेग कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। मैं हर रोज लेके आता हूँ। ये 40 कौन सा पाठ है? ये 40 पाठ हो चुके हैं और जो पाठ हुए हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में क्रम वाइज मिल जाएंगे। सब जाके रिवाइज करिए। नोट्स बनाते रहो। आने वाले टाइम पे आपको बहुत जल्द एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। और भी क्लास चलने बाकी है लेकिन आप जुड़ो तो सही क्लास में। मैं सारी क्लास चला दूं, आप जुड़ ही नहीं रहे हो। क्लास में जुड़ो, अधिक से अधिक शेयर करो। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारे हौसले बढ़ते हैं बोलने के लिए। ठीक है साथियों, कमेंट करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।